नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चौतरफा समस्याएं हैं, बढ़ती महंगाई, किसान, रोजगार, बीमारी और इन सब के बीच आर्थिक अघोषित आर्थिक मंदी से जूझ रहा व्यापारी, जिनसे अपनी समस्याओं का पिटारा कई बार सरकार के सामने खोला पर अभी तक उन्हें किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला है। कहीं बिजली की बढ़ती दर तो कहीं बैंक का कर्ज, इन सबसे अगर बच जाए तो जीएसटी का सलूशन अभी तक व्यापारी ढूंढ रहे हैं। समस्याएं अनगिनत हैं, लेकिन निराकरण कैसे होगा अभी तक इसका कोई भी रास्ता इनके सामने नहीं निकला है। 4.5 साल के कार्यकाल, कोविड काल में जान गंवा चुके व्यापारियों की सुध लेना तो छोड़ दीजिए, अगर राहत पैकेज भी आया या फिर पैकेज के अलावा उनका परिवार जीवन यापन कैसे कर रहा है, इसके बारे में भी पूछने वाला कोई नहीं है कि उनके घर पर जाया जाए, उनके परिवार वालों से मिला जाए और ये पूछा जाए कि जब उन्होंने कोविड काल में अपने सबसे अहम व्यक्ति, जो उनका परिवार, जो उनका घर चला रहा था, जो कि व्यापारी था, उसने अगर अपनी जान गंवा दी है तो अब उनका परिवार कैसे चल रहा है। ये आर्थिक मंदी, जो कि अघोषित आर्थिक मंदी कही जा सकती है, उससे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग परेशान है, लेकिन इसका सलूशन क्या होगा, इसका रास्ता क्या होगा, इस रास्ते को लेकर कई बार कई व्यापारी संगठनों ने सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके सामने अपने पत्र रखे हैं, अपने शिकायती पत्र वहां तक पहुंचाए हैं, उनसे मुलाकात की है, अपनी समस्याएं वहां तक बताई हैं, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का किसी प्रकार का कोई भी निराकरण नहीं निकला है। चाहे बात ऑनलाइन मार्केटिंग की कर ली जाए, चाहे जीएसटी की कर ली जाए, बढ़ती बिजली की दरों की कर ली जाए, दुकान के किराए की कर ली जाए, या फिर व्यापारियों को ना मिलने वाले लोन की कर ली जाए, ये सारी जो प्रमुख समस्याएं हैं, ये कहीं ना कहीं इन समस्याओं का निराकरण करने की बात करके आज से कुछ सालों पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार तो बनाई थी और ये कहा था कि व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब खुशहाल होगा। कई सारी समिट हुई, कई सारे कार्यक्रम हुए, प्रयास सरकार का जाहिर सी बात है रहा है एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने का, ODOP के जरिए लोगों को रोजगार देने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उत्तर प्रदेश का, वो अभी भी थोड़ा बहुत नाराज दिख रहा है, क्योंकि उसके मन में जो सवाल 4 साल पहले थे, वो सवाल अभी भी उसी तरह से बने हुए हैं कि आखिर उनकी सुरक्षा कैसे होगी, आखिर उनका घर परिवार कैसे चलेगा, इस कोरोना काल की लड़ाई को जीतने के बाद जो परिवार बच गए हैं, जो व्यापारी बच गए हैं, आगे उनका व्यापार कैसे चलेगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि व्यापारियों की समस्या को लेकर आज हम आपके बीच आए हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका जो व्यापार है वो सही तरीके से देश में रन करे, उत्तर प्रदेश में चलता रहे, ताकि उससे जो देश और प्रदेश की पूंजी है वो भी बढ़े और व्यापारियों का भी भला हो सके। लेकिन उनके सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा को शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया। कोरोना काल में महंगाई, बेरोजगारी और व्यापारियों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है, जिसे पार करना मील का पत्थर साबित हो रहा है। सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तमाम योजनाओं को ला रही है, कोरोना राहत पैकेज का ऐलान कर रही है, लेकिन उसके बाद भी व्यापारी वर्ग परेशान है। आम जनता को और गरीबों को राहत देने के लिए सरकार ने ठोस और प्रभावी कदम भले ही उठाए हों, लेकिन व्यापारियों के लिए कहीं न कहीं अभी भी ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया है जो उन्हें कोरोना काल में राहत दे सके। व्यापारी वर्ग शायद इसी वजह से सरकार से नाराज भी चल रहा है। व्यापारियों की बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ कोरोना के चलते खड़ी हुई समस्याएं और ऊपर से सरकार के ढेरों नियम और कानून व्यापारियों को उभरने नहीं दे रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और GST जैसी जटिल व्यवस्था ने व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। ऊपर से कोरोना के समय बंद हुए रोजगार से आर्थिक स्थिति भी बेकाबू हो चुकी है।
व्यापारियों की तरफ से कोरोना के बाद से कई मांगे उठाई जा रही हैं और उनका कहना है कि सरकार ने सभी तबके के लोगों का ध्यान रखा और इस महामारी के दौरान उनकी मदद की। गरीबों को फ्री राशन, रेड़ी पटरी दुकानदारों को आर्थिक सहायता और मजदूरों को रोजगार देने का काम किया, लेकिन सिर्फ व्यापारी वर्ग ही ऐसा है जिसको लेकर सरकार की तरफ से कोई सरकारी मदद नहीं दी गई। व्यापार में कर्मचारियों के वेतन, बिजली के बिल, पानी के बिल पर कोई राहत नहीं दी गई है। इसके अलावा जीएसटी का भार अलग से पड़ रहा है। सरकार की तरफ से जीएसटी को सरल बनाने की बात सैकड़ों बार कही गई है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी तरफ कोरोना के दौरान तमाम व्यापारियों की मौत हो गई और सरकार की तरफ से उनकी मौत पर किसी भी तरह की आर्थिक मदद का ऐलान नहीं किया गया। व्यापारी सरकार से पिछले काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी आम जनता की तरह व्यापार में सहूलियतें दी जाएं, जिससे कोरोना के समय छाई मंदी से बाहर निकलने में उन्हें मदद मिल सके। व्यापारियों को कोरोना के दौरान हुई मौत पर 10 लाख का मुआवजा, 2020-21 के दौरान बिजली का बिल माफ किया जाए और कमर्शियल टैक्स में कटौती की मांग की गई। इसके अलावा सरकार छोटे और मझोले व्यापारियों को बैंक से मिलने वाले लोन पर ब्याज की दरों में भी कमी करे। इसके अलावा लोन लेने की प्रक्रिया को भी आसान किया जाए। छोटे उद्यमियों को कारोबार के लिए सब्सिडी देने के साथ ही सरकार उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करे। ये वो मुद्दे और मांगे हैं जिनको लेकर व्यापारियों की तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही है। व्यापारियों का यहाँ तक कहना है कि अगर सरकार उनकी इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है तो आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका खासा असर दिखाई देगा। राजनीति के जानकार बताते हैं कि आगे आने वाले चुनावों में व्यापारियों की इन समस्याओं को विरोधी पार्टियां भुनाने की जरूर कोशिश करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने शायद समय की नजाकत को समझते हुए व्यापारियों को अपने पाले में खींचने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने व्यापारी वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी व्यापारी वर्ग को अगर भरोसा दिलाने में कामयाब होती है तो आगे आने वाले समय में इसका असर सत्तारूढ़ दल को परेशान कर सकती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में समस्याएं शुरू हो गई हैं, तो ये जिस तरह से सरकार ने तो पूरा प्रयास किया कि व्यापारियों के साथ साथ जो एमएसएमई सेक्टर है उसे बढ़ावा दिया जाए, ओडीओपी के जरिए गांवों में जो 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 वहाँ की जो खूबियाँ थी उनको निकाल कर बाहर किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो शहर का व्यापारी है उस व्यापारी के सामने जो समस्याएं शुरुआत में रही हैं वो समस्याएं अभी तक बनी रही हैं और वो लगातार बन के सामने आ रही हैं। चाहे बात हम सुरक्षा व्यवस्था की कर लें, या फिर हम बात कर लें जीएसटी की, या फिर हम ऑनलाइन मार्केटिंग की कर लें, या फिर दुकानों के किराए की कर लें, या फिर बिजली के बढ़ते दामों की, इन सब समस्याओं को लेकर जो व्यापारी संगठन है वो लगातार जनता के बीच जाता रहा है, लगातार नुमाइंदों के बीच जाता रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी प्रकार का कुछ बेहतर इलाज इसका नहीं निकला हुआ है। तो आज की इस डिबेट में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि आखिर जो जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं,
आखिर उनको मजबूत कैसे किया जाएगा, उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए अलग अलग जो साथी हैं हमारे वो जुड़ चुके हैं। इस वक्त बीजेपी से अभिषेक खरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो व्यापारियों की बात हमेशा रखते हैं, व्यापारियों के मुद्दे पर मुखर रहते हैं। इसके अलावा आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी व्यापारियों के बड़े नेता कहे जाते हैं और लगातार व्यापारियों की समस्याओं को लेकर उन्होंने भी आवाज उठाई है। इसके अलावा शरीफ हाशमी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सपा ने बहुत ही जल्दी अभी व्यापारियों को मनाने का प्रयास किया है और वो बताएंगे कि आखिर बीजेपी से व्यापारी नाराज क्यों हैं और अगर नाराज नहीं है तो उसे सपा अब मनाने में क्यों लगी हुई है। और इसके अलावा अश्विनी त्रिवेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कुछ व्यापारी हैं जो जुड़े हुए हैं और वो अपनी अपनी समस्याएं जो हैं वो हमें बताएंगे। तो आज की इस डिबेट को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं संजय जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि आप अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग समस्याओं को लेकर पत्रों के जरिए, प्रदर्शनों के जरिए आप सरकार के पास पहुँचते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो व्यापारी की समस्या है उस समस्या का निराकरण हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि बीते 4 साल में इस तरह के प्रयास आपके लगातार जारी हैं, तो क्या कुछ निराकरण या कुछ बेहतर इलाज या कोई बेहतर जवाब नहीं मिला है? और प्रमुख मांगे अगर हम आपकी माने, क्योंकि इस समय जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले भी आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, वहां पर भी आपने एक पत्र दिया था, तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की जिन पर सरकार को सोचना जरूरी है और सरकार ने अभी तक उस पर विचार नहीं किया? ये जो समय चल रहा है व्यापारियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में व्यापारियों को बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। कोविड के बाद लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी में कमी आई है, जिसके चलते बाजार में गिरावट है। साथ ही साथ विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन बिजनेस को इतनी प्रमुखता से कर रही हैं कि उनकी प्रतिस्पर्धा में प्रदेश का व्यापारी टिक नहीं पा रहा है और हमारा व्यापार 70% तक का सिमट करके ई कॉमर्स पर चला गया है। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां खुलेआम भारत के कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा रही है, ना ही कोई ई कॉमर्स के प्रति उसकी कोई स्पष्ट नीति उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। व्यापारियों के सामने समस्या ये है कि कोविड के चलते हमारी दुकानें बंद रहीं, लेकिन उसके बावजूद हमें बंद दुकानों के बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ा। आदर्श व्यापार मंडल लगातार इस मांग को कहता रहा कि व्यापारियों का कम से कम 1 साल के लिए फिक्स चार्ज, मिनिमम चार्ज और दूसरे अन्य जितने भी चार्जेस हैं उसको माफ़ किया जाए, केवल जितना उसने विद्युत का उपयोग किया है केवल उतना ही उससे चार्ज लिया जाए। साथ ही साथ हमको आसान शर्तों पर ऋण मिले और बैंक के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें कमी किया जाए, क्योंकि इस बीच व्यापारियों का जो अकाउंटिंग है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाई है। व्यापारियों का जो खाता है वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, तो जिन लोगों का खाता सही नहीं है उनको भी ऋण मिले इसकी व्यवस्था रहे। और व्यापारियों को जो कॉमर्शियल हाउस टैक्स है उसमें भी वित्तीय वर्ष 2020-21 का उसको भी माफ़ किया जाए। इस तरीके से व्यापारियों को सपोर्ट करके ही सरकार चले तो कहीं ना कहीं व्यापारी आगे बढ़ सकेगा। अच्छा संजय जी, सरकार की तरफ से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किया गया है, ODOP को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया है, और ये भी मैं हमेशा मुख्यमंत्री के मुख से सुनते आया हूँ कि व्यापारी वर्ग हमारे लिए बहुत अहम है और हम लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। आपकी जो मांगे हैं, क्या इन मांगों के अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर सरकार ने काम किया है, जिनके आप जिसके लिए आप उनकी बढ़ाई करना चाहेंगे, लेकिन आपकी मांग अभी तक नहीं मांगी गई है, या फिर कई ऐसे व्यापारी हैं जिनकी जो समस्याएं जो अभी आप बता रहे थे वो नहीं मांगी? देखिए, कुछ क्षेत्रों में निश्चित रूप से सरकार ने काम किया है। केंद्र सरकार ने अभी व्यापारियों को भी एमएसएमई की परिभाषा में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल प्रधानमंत्री जी का, वाणिज्य मंत्री जी का इस कदम के लिए स्वागत करता है कि वास्तव में एमएसएमई सेक्टर में हम लोग को शामिल किया जाए। ये मांग हमारी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसको घोषित तो कर दिया गया, क्रियान्वयन उसका भी नहीं हुआ। जब तक आप क्रियान्वयन किसी चीज का नहीं करेंगे तब तक उसकी घोषणा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एमएसएमई में जो व्यापारियों को शामिल किया गया है उसकी योजनाओं का लाभ व्यापारियों को मिले। उत्तर प्रदेश सरकार को गंभीरता से इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। उसमें कम ब्याज पर व्यापारियों को लोन मिल सकता है, व्यापारी उद्यमी पोर्टल पर जाकर के हम लोग रजिस्ट्रेशन करा करके वो लाभ ले सकते हैं, और बैंकों को इस बात के निर्देश दिए जाए कि जिनके पहले से लोन चल रहे हैं उनको एमएसएमई लोन माना जाए और जो नए लोग लेने वाले हैं उनको भी एमएसएमई कैटेगरी में व्यापारियों को भी अच्छा, लोन इसमें, दिया इसमें लेट क्यों हो रहा है? मैं इसका जवाब अभिषेक जी से लूंगा। अभिषेक जी, आपको आवाज मिल रही ना मेरी?
अभिषेक जी, आप भी लगातार व्यापारियों के मुद्दे को लेकर सरकार के पास जाते हैं, हालांकि आप खुद सरकार से जुड़े हुए हैं इस वक्त, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं जैसे कि अभी संजय गुप्ता बता रहे थे कि कोरोना काल में जो समस्याएं पैदा हुई हैं व्यापारियों को लेकर, उनकी उन समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है, तो आखिर इसमें लेट क्यों हो रहा है? और एमएसएमई के सेक्टर में अगर हम बताएं, एमएसएमई की श्रेणी में भी व्यापारियों को रखा गया है, लेकिन जो जो वायदे किए गए थे वो वायदों में पूरा करने में अभी उसमें समय लग रहा है, तो ये थोड़ी जो हीला हवाली है, जो जो ढीलापन है, ये क्यों हो रहा है? और इसका जवाब अगर हम आपसे पूछें तो आप ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं, संजय जी को भी, व्यापारियों को भी और हमें भी, तो क्या जवाब है इसका? हमारे वरिष्ठ साथी जो गुप्ता जी जो कह रहे थे, मैं भी उनसे भी अब से काफी हद तक जो इत्तेफाक रखता हूँ कि ये कोविड काल जो आया है उसके बाद से और ऑनलाइन से ऑनलाइन कई तरह के जो सिनेरियो है जिसके कारण हमारा जो है व्यवसाय व्यापारियों का काफी हद तक जो सिमट कर रह गया है, और कहीं ना कहीं परचेजिंग जो पावर है आज लोगों की थोड़ा सा जो है इस कोरोना महामारी को लेकर वैश्विक रूप से भी एक भय का माहौल है, और अनिश्चितता का माहौल होने के कारण लोगों ने अपने अन्य खर्चों पे रोकथाम लगाते हुए काफी हद तक जो है क्या कहते हैं प्रयास यही किया है कि बहुत अति आवश्यक चीजों की खरीदारी हो, और उस कारण से मार्केट में परचेजिंग पावर लोगों की, ग्राहकों की, उपभोक्ताओं की घटी है, और एक जो सिनेरियो आया है वैश्विक मंदी का उससे कहीं ना कहीं हम लोग भी ज्यादा प्रभावित हैं। बड़ी जनसंख्या और घनत्व वाला हमारा भारत देश है, और व्यापार की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से व्यापारियों की पार्टी रही है, और आज भी हम लोग जो है क्या कहते हैं कोई भी जो वैश्विक पटल पर ये समस्याएं आ रही है ऑनलाइन को लेकर, उसके लिए निरंतर अपनी मांग पत्र जो है माननीय जो है हमारे वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखकर भेजते हैं, और एक आश्वासन मिला है, लेकिन जो ग्लोबल सिनेरियो उसमें कोई बड़े परिवर्तन भूलचूल अभी निकट भविष्य में होना नजर नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं हम व्यापारियों को भी आपस में एकजुट होकर के इसके लिए एक कोई ऐसा, क्योंकि जब कोई परिवर्तन आता है तो हमें अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन लाना पड़ता है। आज व्यापार इस तरह से आ गया है कि हमें भी कहीं आपस में एक ऑनलाइन बिजनेस से लड़ने के लिए संगठित होकर के इस पारंपरिक जो हमारा व्यवसाय है इसको हमें प्रमोट करना पड़ेगा। सरकार से हमारी मांग है कि इन जो हमारा पारंपरिक व्यवसाय है, दुकानें हैं, इनमें व्यवसाय को बढ़ाने के लिए राहत पैकेज भी दिए जाए, और समय समय पर व्यापारी मेला वगैरह लगाकर लोगों को पुनः इसके आकर्षित। अच्छा अभिषेक जी, मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप ग्लोबल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं स्टेट के नजरिए से पूछना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो व्यापारियों का ये कहना था कि जो बिजली के दाम है उनसे उनको काफी परेशानी हुई, इसके अलावा पूरे कोविड काल में जब उनकी दुकानें बंद रही उसका भी जो बिजली का बिल आया था वो माफ नहीं किया गया, लोन की समस्या उनके सामने सबसे ज्यादा रहती है कि लोन उन्हें आसानी से नहीं मिल पाता है, इसके अलावा कोविड के दौरान जो व्यापारियों की मृत्यु हुई है उनको किसी प्रकार की कोई राहत राशि नहीं दी गई, उनके परिवार वालों को किसी प्रकार से कोई राहत राशि नहीं दी गई, तो ये जो सवाल है ये तो कहीं ना कहीं स्टेट पर निर्भर करते हैं, प्रदेश सरकार पर निर्भर करते हैं, इस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है, और ये सवाल कहीं ना कहीं व्यापारियों का है, तो आपको नहीं लगता है कि ये इन सवालों का हल अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो आपको नुकसान हो सकता है 22 में? नहीं, बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोगों ने भी इस बात को पहुंचाया है, और बड़ी संख्या में लोगों की जो है कोविड काल में मृत्यु हुई है, अब उसमें जो जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही जो है बीमा, व्यापारी बीमा की व्यवस्था लागू की गई, एक बड़ा जो है वो लाभ व्यापारियों को देने के लिए हुआ था, हम लोगों ने मांग इसमें करी कि जो है ये कोविड में जो मृत्यु हुई है उसको भी व्यापारी की उसको उसमें लिया जाए बीमा में, और दूसरा जैसे आपने कहा कि एमएसएमई का लाभ बैंकिंग सेक्टर में जो है सब व्यापारियों को नहीं मिल पा रहा है, मैं इस बात पे जो है हमारे आदरणीय संजय गुप्ता जी से पूर्णतः सहमत हूँ कि बैंक मैनेजरों ने अपने आप को सिक्योर करते हुए जिनको अति आवश्यकता है, उन्होंने काफी बैंकों में मेरे हमारे पास भी व्यापारियों की समस्याएं आई और सूचनाएं आई कि उन्होंने वही लोनों को जो है आगे बढ़ा दिया, और जिनकी सीसी लिमिट पहले से ऑलरेडी चल रही थी एमएसएमई सेक्टर में, जिनको जो है नया हमारा ओडीओपी और स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी योजना है उसके अंतर्गत व्यापारियों को जो लाभ मिल पाना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक व्यापारियों को उसमें हम लाभ एमएसएमई में दिलवा पाए, और इसके लिए हम लोग ने जो है समय भी लिया हुआ है, जल्दी इसके लिए हम लोग फिर से अपने मांग पत्र देंगे। चलिए ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ता हूँ। शरीफ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भाई, ये तो व्यापारियों की और सरकार की समस्या है, उनके बीच बैठकर बातचीत का हल निकल जाएगा, आप लोग इसमें क्यों मजा ले रहे हैं? व्यापारी सम्मेलन कर रहे हैं कि व्यापारी नाराज है, हमारे पास आ जाए। नितिन जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज उस वर्ग की बात रखी है जो अपनी ही पूंजी से, अपने ही धन बल से अपने आप को और अपने पूरे परिवार को आश्रित करने की उम्मीद रखता है,
और जो बात आपने कही कि मैं मजे ले रहा हूँ, नहीं मैं मजे तो नहीं ले रहा हूँ। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का कहना है कि जो असहाय है, जो परेशान है, हम हर उस वर्ग के साथ खड़े हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कहां से लगता है कि असहाय हैं व्यापारी, ये समस्या में हैं। देखिए जैसे कि अभी हमारे भाई प्रवक्ता बीजेपी ने भी ये बात कही और बड़े भाई बगल में बैठे उन्होंने बात कही कि ये रीढ़ की हड्डी है व्यापारी। व्यापारी वो है जो इस देश को चलाता है, व्यापारी वो है जो इस देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता है। तो अगर हम उस पर ही ध्यान नहीं देंगे तो देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर हम चार पहिए से चलते हैं, अगर एक टायर हमारा पंचर हो गया तो शायद गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, भले ही तीन मजबूत हों। तो ये वो पहिया है जो पूरे देश को चलाता है। व्यापारी वो होता है जो अपने जीवन की सारी जमा पूंजी एक दुकान में लगाता है, उससे अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप को पालने की उम्मीद करता है। जब और व्यापारी तो मुख्यतः रूप से जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई तो बड़ी उम्मीदों के साथ इनकी ओर देख रहा था कि ये व्यापारियों की पार्टी आ रही है, वे व्यापारियों के हक में कुछ बहुत अच्छा करेगी। लेकिन व्यापारी इनसे हताश और निराश हो गया। कोरोना काल में जो व्यापारियों से गुजरा, बहुत से व्यापारी भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनकी दुकानें खत्म हो गई। अच्छा। कुछ व्यापारी भाई हमारे ऐसे हैं जो दुनिया से विदा हो गए। तो सरकार की तो मुख्य रूप से एक जिम्मेदारी थी कि उस परिवार से मिलते, उस परिवार की जीविका का ख्याल रखते कि उसका परिवार कैसे जीवन यापन करेगा। कुछ पटरी दुकानदार भी थे, वो भी चली गए, तो कम से कम उनकी ये व्यवस्था कर देते, कहीं उनकी छोटी सी जगह दे देते जहां उनकी बीवी बच्चे कुछ तो जीवन यापन करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम हर उस वर्ग के साथ खड़े हैं जो इस हालात में परेशान हुआ है, और हम उनकी हर वो मुमकिन मदद करेंगे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे उनके लिए हमें सड़कों पे संघर्ष करना पड़े, हम वो भी करेंगे। हम व्यापारों के साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो बीजेपी भी तो कर रही है, बीजेपी ने वादा किया है कि हम आने वाले दिनों में कोशिश करके जो समस्याएं हैं वो सुलझा देंगे। साहब 5 साल का समय व्यापारियों ने उन्होंने दिया, व्यापारियों ने उनको पूर्ण रूप से वोट दिया। अच्छा। सारी उम्मीद उसमें जगाई। 5 साल में अगर उन पे उम्मीद ये होती तो आज व्यापारी हमारे साथ, व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ सम्मेलन चल रहे हैं, व्यापारी हमारे साथ क्यों आ रहा है? अगर आपसे नाराज है तभी मेरे पास आ रहा है। जो मेरा व्यापारी था वो तो था ही, जो नाराज है तभी तो मेरी तरफ आ रहा है। अगर आप किसी के साथ ऐसा करते तो आपसे क्यों नाराज होगा? तो अभिषेक जी, ये जो शरीफ जी कह रहे हैं कि व्यापारी आप लोगों से नाराज है इसीलिए सपा के पास जा रहा है, कितना सहमत है भाई आप लोग और क्यों नहीं मना रहे आप लोग? नहीं, कहीं पे कोई व्यापारी नाराज नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण आस्था व्यापारी रखते हैं। एक वैश्विक समस्याओं के कारण जो है आज अगर व्यापार थोड़ा सा जो है प्रभावित हुआ तो व्यापारी बहुत बुद्धिजीवी वर्ग होता है। आपकी बात पे शरीफ आदमी हंस रहे हैं। जैसा कि शरीफ भाई ने कहा कि मतलब व्यापारी उनके साथ आ रहा है तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। व्यापारी आज की तारीख में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज व्यापारियों को यह पता है कि जो है अपराध खत्म हो गया है प्रदेश से, इसलिए व्यापारी सुरक्षित है। जो पूर्व की सरकारों में होता रहा है, व्यापारी का हमेशा शोषण हुआ है, उसका उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ जो है तमाम तरह की आपराधिक वारदातें होती थी। आज व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मुझे लग रहा है इस सरकार में ज्यादा लूटा महसूस कर रहा है। व्यापारियों की हत्या हो रही है, व्यापारियों के साथ लूट हो रही है। अब आप तो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन मैं भी आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। आप सत्ता में है तो बोल नहीं सकते, विपक्ष में होते इस बात को बड़ी मजबूती से उठाते हैं। और ये जनता भी देख रही है। आप मेरी बात का जवाब ले लीजिए। देखिए, अपराध तो ऐसे घनत्व वाले देश के अंदर जहाँ जनसंख्या 135 करोड़ पर अपराध बिल्कुल होता है, और उसको देखिए बिल्कुल समाप्त कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। परंतु आज आप देखिए कि जो है जो भी घटनाएं होती है तो उसके तुरंत खुलासे भी होते हैं। अभी कोई भी अगर घटना होती है किसी अगर अपराधी के साथ होती है, अगर उसका माल लूटा जाता है तो उसकी तुरंत रिकवरी भी तुरंत होती है, और एक तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करके कड़ा संदेश दिया जाता है। तो व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है। और देखिए जो विपक्ष में है उनको तो आरोप लगाना है, वो लगाते रहेंगे। बहुत से व्यापारियों की हत्या हुई है, बहुत सी लूट हुई है, आंकड़े आप सब लोगों के पास हैं, बड़े भाई बैठे हैं, व्यापारी नेता हैं, इनके पास सबसे ज्यादा आंकड़े होंगे। ये एक सत्य है कि व्यापारियों के साथ इस समय बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। अगर सबसे ज्यादा परेशान कोई वर्ग है तो व्यापारी है। एक तो कारोबार से परेशान, उसके बाद तो उसकी लूट हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, उसका परिवार सड़क पे आ जाता है। नहीं, मैंने आपको जैसे बताया अभी आपको हाल में ही घटना अभी परसों 3 दिन पहले हुई कि लखनऊ में जो है आलमबाग बस अड्डे से टप्पेबाजी करके
लगभग जो है 30 किलो चांदी की जो है क्या कहते हैं घटना हुई थी, मगर पुलिस ने इसको 48 घंटे के भीतर ही देखे सुलझाया और सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके माल की रिकवरी भी करवाई। तो ऐसा नहीं, अगर कहीं अपराध होता है तो जो है शासन प्रशासन और सरकारें हमारी चौकन्नी है, व्यापारियों के प्रति बहुत संजीदा है और व्यापारियों की हर एक जायज मांग की तरफ हम अगर सरकार के पास लेके जाते हैं तो उस पर पूरा निस्तारण होता है और पूरी आस्था व्यापारियों की भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं, आप कह सकते हैं क्योंकि आप बड़े भाई हैं और आपको पार्टी में बने रहना ये बात कहने का हक है, लेकिन सत्यता ये है कि व्यापारी बहुत त्रस्त है। चलिए चलिए हम चलते हैं न्यूज रूम की तरफ। कुछ और व्यापारी जो हैं वहाँ पे जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपके साथ भी कुछ व्यापारी जो हैं इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि वहाँ न्यूज रूम में हमारे इस वक्त हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि आखिर हालात क्या हैं उत्तर प्रदेश में और क्या स्थितियां इस वक्त चल रही हैं, व्यापारियों के अंदर क्या समस्याएं हैं, क्या सवालात हैं उनके अंदर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सुरक्षा पूरी तरह से मुहैया कराई जा रही है, कहीं पर भी अगर लूट होती है या टप्पेबाजी होती है तो उसका खुलासा किया जाता है। इसके अलावा जो और समस्याएं हैं, चाहे वो लोन की हो गई, किराए की हो गई, बिजली की हो गई, इन सारी समस्याओं पर भी कहीं ना कहीं काम हो रहा है, पत्र दिए जा रहे हैं, निराकरण जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपके साथ जो इस वक्त व्यापारी मौजूद हैं वो क्या कहना चाहता है हम ये भी सुनना चाहेंगे उनसे। आप जुड़िए उन व्यापारी भाइयों को और हम उनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं आखिर प्रदेश के व्यापारियों। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि व्यापारी को कई तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं। कोरोना के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में कई व्यापारी ऐसे रहे जो लॉकडाउन के बाद संभल नहीं पाए, उनको कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बाद जो किराया देना पड़ा, बिजली का बिल और GST का भी सोल्यूशन सरकार अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। तो अभी हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या उनकी मुख्य समस्याएं हैं। मैम, क्या क्या आपकी मुख्य समस्याएं हैं जो अभी तक कोरोना के बाद लॉकडाउन से? जी देखिए, बीते वर्षों में सबसे ज़्यादा जो सहयोग सरकार को मिला है वो व्यापारियों से मिला हुआ है, क्योंकि इस बार व्यापारियों ने इतना कुछ सहा है और बर्दाश्त किया, उन परिस्थितियों के बाद भी उसने अपना पूरा 100% दिया है। देखिए, हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या इस समय आ रही है, ख़ास तौर से हम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम महिलाओं के साथ है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। प्रोडक्शन के पीछे से हम लोगों को माल बना बनाया नहीं मिल पा रहा है और जो माल बना मिल भी रहा है वो इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि उसको हम लोग उन कीमतों पर नहीं बेच पा रहे हैं जो हम पिछले टाइम से बेचते चले आ रहे हैं। और हमारे पास जो कहक आता है वो चाहता है कि हमें उन्हीं दरों पर उन्हीं रेट पे सामान दिया जाए जो हम पिछले बेचते चले आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा जो बिजली का बिल है वो काफ़ी, बिजली का दर बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, इसके अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से हम लोग अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अश्विनी मैं आपसे चाहता हूँ कि मैडम से पूछे, क्योंकि मैडम महिला हैं और महिला के लिए घर चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से महंगाई चरम पर है और दूसरी तरफ ये व्यापारी हैं तो इनको दो दुगनी मार अगर हम बताएं तो झेलनी पड़ रही है। सरकार को इनसे अब क्या उम्मीद है, क्योंकि चुनाव करीब है, विपक्षी भी चाहते हैं कि व्यापारी इनके खेमे में आ जाए, सरकार चाहती है कि जो नाराज व्यापारी हैं, अगर नाराज हैं तो नाराज व्यापारी को अपने पाले में खींचा जाए, तो उम्मीदें क्या क्या हैं, क्या क्या आशाएं हैं, इनके बारे में भी जरा पूछिए और मैडम बताएं। जी मैम, आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और उसके बाद आप एक व्यापारी हैं और व्यापारी के साथ साथ एक महिला हैं, तो कई सारी समस्याएं आती हैं घर चलाने में और व्यापार में, तो घरेलू समस्या क्या आ रही है? देखिए, घरेलू समस्याएं सबसे ज्यादा हम लोगों को जो आ रही है वो महंगाई है। महंगाई जो किचन हम लोग नॉर्मल हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे वो हम लोग 40-50 हज़ार रुपये में हमारा पूरा महीना चल जाता था, बहुत आराम से चल जाता था। आज पोजीशन ये है कि हम लोग सोचते हैं कि कैसे उसको क्या लें, कैसे लें। जो सिलेंडर हम ले रहे थे 500-600 रुपये में ले रहे थे, वो सिलेंडर अब हमारा 1000 रुपये में आ गया है। जो सब्जी आप देख लीजिए, एक दिन की आप सब्जी देख लीजिए, ठीक ठाक अगर हम सब्जी लेते हैं तो वो 200-300 रुपये तक पहुंच जाती है। हम कैसे सरवाइव करें, हमारी कमाई का जरिया बिल्कुल बंद हो चुका है। और इसके अलावा जो योजनाएं इस समय हम लोगों को मिली हुई थी, खासतौर से महिलाओं को, वो धरातल पर कहीं भी पूरी नहीं होती नजर आती हैं। योजनाएं बहुत आ रही हैं, बहुत सी लगती हैं कि योजनाएं महिलाओं के लिए, योजनाएं मुद्रा योजना, ये योजना, लेकिन कुछ भी योजनाएं हम लोगों तक पहुंच नहीं पाती। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। मैं एक सवाल लेना चाहता हूं, बाकी लोगों को भी आप जोड़िए और उनसे पूछिए, GST सरकार की तरफ से जो लाया गया था, GST का सोल्यूशन कितना उन्हें मिला है, कितना वो समझ पाए हैं और कितना फायदेमंद GST व्यापारी के लिए है? सर, GST जो सरकार की तरफ से लाया गया था उससे उसका कितना ज़्यादा सोल्यूशन व्यापारियों को मिल पाया है और उससे कितने ज़्यादा जो व्यापारी हैं सेटिस्फाइड हैं? देखिए, जब GST लॉन्च हुआ था
तो हम लोगों को जो जानकारी थी कि वन नेशन वन टैक्स, हम लोगों ने उसका स्वागत भी किया था कि एक टैक्स होगा और एक तरह के प्लेटफॉर्म पे हम काम कर पाएंगे। लेकिन आज की डेट में ये हो गया कि जीएसटी से हमारे खर्चे बढ़ गए, समय जो काम हम 10 मिनट में करते थे वो एक घंटे का समय हो गया उस पर, और आपके जो है कंप्यूटर के खर्चे बढ़ गए, नेट के खर्चे बढ़ गए। 23,000 से ज़्यादा के संशोधन जीएसटी में सरकार कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है, जिस पर हम लोग रोज़ परेशान होते हैं। ईवी बिल की जिसे समस्या है आपके जो अब हम लोग एक तरह का सामान इलेक्ट्रॉनिक का काम है मेरा, 5 अलग अलग सामान आते हैं, उसके अलग अलग टैक्सेस होते हैं। अब उसके लिए बिल्कुल कम्फर्ट आदमी बैठाना है कि वो अलग अलग पहले टैक्स डिसाइड करे फिर उसका बिल काटे। ज़रा सी चूक के ऊपर तुरंत पेनल्टी लगाई जाती है, तुरंत सचल दस्ते होते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं। अगर सिंगल एक नंबर भी गाड़ी गलत होता है तो रास्ते में माल रोक लेते हैं, फिर आगे नहीं भेजते हैं। तो सरकार से तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो कहके जीएसटी लॉन्च किया था कि वन नेशन वन टैक्स, उसको कोई बीच का एक रास्ता टैक्स निकाल करके उसको सरल प्रक्रिया में कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मानना है जीएसटी पर। सर, जीएसटी पर आपका क्या मानना है? जीएसटी का जवाब मिल गया, जीएसटी का जवाब मिल गया। मैं ये चाह रहा था इनसे ये पूछे, क्योंकि ये एक व्यापारी है और इनके कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोविड काल में अपनी जान गंवा दी है, तो क्या सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहायता अभी तक उनके परिवार वालों को, किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद उनके परिवार वालों को मिली है या नहीं मिली है? और अगर नहीं मिली है तो क्या चाहते हैं ये, क्या वो परिवार चाहता है इस वक्त वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है, ये भी पूछे इनसे। सर, जिस तरीके से कोरोना काल में जिन व्यापारियों ने अपनी जान गंवाई, क्या उनको सरकार की तरफ से अभी तक कोई आर्थिक मदद मिल पाई है? ये बहुत दुख की बात है कि हिंदुस्तान का व्यापारी किसी भी आपातकाल में सरकार के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलता है, लेकिन इस वैश्विक महामारी में जिन व्यापारी बंधुओं ने अपनी जान गंवाई है, सरकार के तरफ से कोई भी एक रुपये की उनको सहायता नहीं मिली, न ही उनके परिवार से मिला गया, न उनके बच्चों से मिला गया। कितनों के परिवार इस तरह से बिखर गए हैं कि उनके बच्चों के पास पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं हैं। आज की स्थिति निश्चित रूप से कोरोना महामारी में व्यापारियों की बहुत ही खराब हो चुकी है, और सरकार से मांग है हमारी कि जिन व्यापारियों ने इस पैंडेमिक में अपनी जान गंवाई है उनके लिए बीमा की व्यवस्था किया जाए, उनको सरकारी मदद दिया जाए ताकि उनका भी परिवार चल सके। चलिए, हम अश्विनी, हम फिर आएंगे आपके पास, हम बाकी मेहमानों को जोड़ते हैं। ये बहुत अहम बात है क्योंकि जिस वर्ग को रीढ़ कहा जाता है आर्थिक स्थिति को सुधार में लाने की, चाहे वो देश की हो चाहे प्रदेश की हो, कोविड में जिन व्यापारियों ने अपनी जान गंवाई है उनका परिवार कैसे चल रहा है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनके घर में खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं और इस सवाल पर कहीं से भी कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये अपने में बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। संजय जी, मैं आपके पास आऊँगा, आप कई बार इस मुद्दे को लेकर आगे गए हैं सरकार तक, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। क्या उम्मीद लगाई जाए अब आपसे, व्यापारी वर्ग आपसे क्या उम्मीद लगाए और आपने सरकार से क्या उम्मीद लगा रखी है कि क्या इस बार सरकार इस मांग को पूरा करेगी? क्या कोरोना वॉरियर सिद्ध किया जाएगा, माना जाएगा व्यापारियों को या नहीं माना जाएगा? क्या उन्हें आर्थिक जो राशि है वो दी जाएगी, नहीं दी जाएगी? क्या लगता है अभी तक सरकार की बातचीत में? देखिए, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर भेंट की थी, मैं खुद मिला था। हम लोगों ने उनको विस्तृत रूप में सारी बातें लिखित में भी कही थी और मौखिक रूप से भी कही थी, लेकिन अब हम लोगों को निराशा हो चुकी है। हमें अब ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार इस विषय पर सोचेगी, क्योंकि धीमे धीमे सरकार की नज़र में और चीज़ें लाइन पर आ गई हैं। तो ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि अब सरकार इस विषय को बहुत गंभीरता से लेगी। ये चुनाव अब की बहुत निर्णायक चुनाव होगा और अब की चुनाव में व्यापारी ही गेम चेंजर होगा। आदर्श व्यापार मंडल ने पिछले 24 अगस्त को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक अभियान शुरू किया है। हम लोग व्यापारी स्वाभिमान जागरूकता एवं संकल्प अभियान पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सोची समझी साजिश के तहत व्यापारियों सहित पूरे समाज को धर्म और जाति में बांटने का काम करती, हिंदू मुस्लिम के उसमें बांटने का काम करती हैं, ब्राह्मण यादव जाटों खत्री सिंधी पंजाबी में बांटने का काम करती हैं और अपनी सुविधा अनुसार अपने आपको एक जात को सेट कर लेती हैं। इस बार आदर्श व्यापार मंडल ने यह संकल्प लिया है कि हम लोग पूरे प्रदेश में व्यापारियों को एकजुट करेंगे। व्यापारी से बड़ा वोट बैंक कोई नहीं है। 2 करोड़ व्यापारी छोटे मझोले और बड़े मिलाकर के हैं, जो चाहे वो फुटपाथ पे व्यापार करते हो, चाहे वो पक्के दुकानदार हों और चाहे बहुत बड़े व्यापारी हों। 2 करोड़ व्यापारी हैं, उनके बाद 2 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं और उनके परिजनों को मिलाकर के 8 करोड़ वोटर हैं व्यापारी। तो 8
करोड़ लोग जिसको वोट देंगे उसी की सरकार बनेगी। आदर्श व्यापार मंडल इस बात की मुहिम चला रहा है कि हम लोग जाति धर्म के खाचे में ना बटें, व्यापारी बनकर के वोट दें। अगर हम व्यापारी बनकर वोट देंगे तो किसी सरकार की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि व्यापारियों की बात को ना सुने। आदर्श व्यापार मंडल इस अभियान को, और ये आवाज ना केवल व्यापारियों की आवाज है, ये माना जाए कि अभिषेक जी के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं हैं आने वाले दिनों में। आदर्श व्यापार मंडल का प्रयास ये है कि अब उत्तर प्रदेश से हम लोग जाति धर्म की राजनीति को पूरी तरह समाप्त करें और अब की चुनाव में हम लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, इस विषय को ध्यान में रख करके वोट करेंगे और इसी विषय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि अब पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा बदल जाए। ये पॉलिटिकल पार्टियां अब ये समझ जाएं कि जनता और व्यापारी जागरूक हो चुके हैं, अब उनके धर्म जाति के मुद्दे चलने वाले नहीं हैं। अभिषेक जी, नाराज हैं कुछ व्यापारी, आप कह रहे हैं कि आपके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी तो जरूर दिख रही है। और ये भी पता चल रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कुछ निर्णायक जरूर साबित हो जाएगा व्यापारियों के नजरिए से, तो ये तो बिल्कुल आप मान के मत चलिएगा कि इस बार भी व्यापारी आपके पाले में आएगा, क्या कहेंगे? आवाज मिल रही है अभिषेक जी आपको? चलिए हम जुड़ते हैं अभिषेक जी से थोड़ी देर बाद। हाशमी जी, जिस तरह से संजय जी ने बताया कि राजनीतिक पार्टियां फिर से गेम करने की कोशिश कर रही हैं, वो कह रही है कि जात धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस बार फिर से वोट मांगने की कोशिश की जाएगी, व्यापारी को बांटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो इस बहकामे में नहीं आते, तो समाजवादी पार्टी अब क्या करने वाली है, अब आगे की क्या रणनीति है? जो व्यापारी बीजेपी से नाराज है उसको कैसे आप अपने पाले में ला सकते हैं, कैसे मना सकते हैं, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हम समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा विकास की बात की, काम की बात की, रोजगार की बात की, शिक्षा की बात की, हमने लैपटॉप बांटा, हमने व्यापारियों को जो सुविधा देनी थी दी, और मैं तो सारे व्यापारियों का, पूरे भारत देश के व्यापारियों का स्वागत है समाजवादी पार्टी में। और सबसे मेरा कहना है कि हम आपके कैसे स्वागत है, आएंगे कैसे, क्या है, क्या है आपके पास भाई? हम उनके लिए वो सब करेंगे जिसकी उनको जरूरत है, जो उनको हमसे उम्मीद है। जैसे कि उन्होंने कहा कि इस जो कोरोना काल में व्यापारियों के साथ जो हालात हुए, इस मौजूदा सरकार ने उनका कहीं साथ नहीं दिया। ठीक है, हम कल को आते हैं, भगवान नगर कोई ऐसी भी आपत्ति है, फिर भी हम व्यापारियों के बीमे की व्यवस्था करेंगे। हम जिन परिवारों के साथ ये दुर्घटना घटी है, हम उन परिवारों के साथ जो आर्थिक मदद हो सकेगी, जो पेंशन व्यवस्था हो सकेगी, उसको लाने का प्रयास करेंगे। बाकी जो व्यापारियों की दुकानें बंद हो गई हैं, उनको हमारे सरकार के द्वारा बैंकों को जो दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, जो सख्ती की जा सकती है, उनको लोन देने की प्रणाली को आसान बनाएंगे, ताकि उस परिवार को जीविका जीने का एक आसान रास्ता मिल जाए, उस व्यापारी का परिवार आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। व्यापारी हमारे साथ जुड़ता है, हम उसके लिए वो पूर्ण रूप से हर वो कोशिश करेंगे जिस उम्मीद से वो समाजवादी पार्टी से, परिवार से जुड़ेगा। अच्छा, 17 में ये बीजेपी ने भी कहा था, लेकिन किया उन्होंने नहीं, क्योंकि तभी नाराज है। मैं समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर आई थी, समाजवादी पार्टी ने विकास किया, समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से कार्य किया, ये जनता भी जानती है, व्यापारी नेता भी जानते हैं, और विपक्ष के सत्ता में बैठे लोग भी जानते हैं कि अखिलेश यादव जी का सिर्फ एक ही कार्य रहा, सिर्फ विकास, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। अच्छा अभिषेक जी, आपको आवाज मिल रही है, मैं आपके पास आता हूँ। अभिषेक जी, अभी जिस तरह से संजय जी कह रहे थे कि इस बार का जो ये चुनाव है ये निर्णायक होगा व्यापारियों के नजरिए से, इस बार राजनीतिक पार्टी ये मत सोचे कि वो जात धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर व्यापारी का वोट अपने पाले में खींच लेंगे। व्यापारियों की जो मांग थी, जो मांग है, वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। और एक सबसे अहम बात संजय गुप्ता जी ने ये भी कही है कि कोरोना वॉरियर या आर्थिक सहायता के लिए जिस तरह से लगातार उन्होंने चक्कर काटे हैं, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और उम्मीद यही है कि वो पूरा नहीं होगा। तो ये नुकसान हो सकता है बीजेपी के लिए, आपके लिए क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि व्यापारी आपके साथ है, लेकिन व्यापारी दूसरी तरफ कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। इस विषय में मैं आपको ये कहूंगा कि व्यापारी बिल्कुल दूरदर्शी बॉम्ब है, और वो अपने नफे नुकसान को केवल वर्तमान में तुरंत की स्थितियों को नहीं देखती है, उसका आकलन, उसका मूल्यांकन वो आने वाली अपनी पीढ़ियों भविष्य में देखती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के और माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारत एक नई दिशा ले रहा है, और आज भारत हर मुद्दों पर सशक्त हो रहा है, और व्यापारी भी जानता है कि आज अगर हमें जरूर थोड़ा सा, जब एक परिवर्तन आता है तो थोड़ा सा हो सकता है कहीं पे कष्ट हो सकते हैं,
चाहे नोटबंदी रही हो चाहे फिर उसके बाद जीएसटी करनी पड़ी हो, परंतु ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए, संभलता के लिए और उसको और आगे जो है कि कहते एक सशक्त भारत के, आत्मनिर्भर भारत के रूप में बनाने के लिए आवश्यक है। और आगे ये जानता है कि आज अगर हमें कहीं पे कष्ट आ रहा है तो आने वाले समय में यही हमको 10 गुना 50 गुना 100 गुना का लाभ बनकर के हमें 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 लाभ मिलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगा और व्यापार निश्चित तौर पर आगे हमारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है और आत्मनिर्भर भारत की ओर बहुत इसीलिए है कि विपरीत स्थिति में आप उनके साथ रहें। देखिए व्यापारी सरकार चुनता इसीलिए है कि विपरीत स्थिति में आप उनके साथ रहें, वरना व्यापारी को क्या है, वो अपना पैसा लगाता है, अपनी दुकान खोलता है, खुद की मेहनत करता है, लेकिन आपसे उम्मीद यही करता है, आपको वोट ये देने की उम्मीद करता है कि मैं आपको वोट इसलिए दे रहा हूँ कि व्यापार अगर हमारा कभी परेशानी में आए, व्यापारी कभी परेशानी में आए तो आप उसके लिए सुरक्षा ढाल बने। वो आपने काम नहीं किया है, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा अभिषेक जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके सुझाव हम लोग आगे पहुंचा रहे हैं और जहां पर कुछ कहीं अगर कहीं चूक रह भी गई है तो सरकार बिल्कुल उसके प्रति बहुत संवेदनशील है और व्यापारियों को जो है उन्होंने हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर पर व्यापारियों को ही आगे लेकर चली, उन्हीं की पार्टी है। लेकिन इस बार व्यापारी ना उम्मीद है सर, व्यापारी ना उम्मीद है, रास्ता तलाश रहा है और आपके पास अब समय नहीं है समस्या का समाधान करने का, कोई रास्ता नहीं तलाश रहा है। वो तो जहाँ अच्छा दिखेगा व्यापारी को, व्यापारी वहाँ जाएगा। ये तो संजय जी बताएंगे ना कि कहाँ जाएंगे, उन्होंने कहा कि ये बाटे वाटे ना हमको। संजय जी तो पत्ते लास्ट में खोलेंगे, अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे। संजय जी क्या कहेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए व्यापारी बड़ी पैनी निगाह से वर्तमान सरकार को और जो पिछली सरकारें हैं उनके कार्यकाल को आंकलन कर रहा है। व्यापारी बेहतर कौन लग रहा है आप लोगों को दोनों में? देखिए यदि किसी को आपके चैनल पर कम या ज्यादा कहेंगे तो उसको माना जाएगा कि संगठन कहीं प्रायोजित है। अच्छा। आदर्श व्यापार मंडल पूरी गंभीरता के साथ इस बात का प्रयास कर रहा है कि अब उत्तर प्रदेश जाति धर्म के झगड़े में ना पड़े। एज अ व्यापारी, एज अ सिटीजन, अब हम लोगों को इस बात का प्रयास करना है कि समाज को जाति धर्म के झगड़े से बाहर ले जाना है। सभी पोलिटिकल पार्टियाँ अपनी अपनी सुविधा के अनुसार प्रदेश को बांटने का काम कर रही हैं। इसको बचाने के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल मुहिम चला रहा है। व्यापारियों से बड़ा वोट बैंक कोई नहीं है। व्यापारी की परिभाषा का मतलब गुप्ता और अग्रवाल नहीं, व्यापारी की परिभाषा में किसी भी जात का व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो जाटव हो, चाहे छत्री हो, सभी लोग व्यापारी की परिभाषा में हैं। और आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि यदि ये सब लोग व्यापारी के रूप में वोट करेंगे तो उसी की सरकार बनेगी जिसको व्यापारी वोट करेगा। वर्तमान में व्यापारियों का जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, व्यापार पूरी तरीके से ट्रेडिशनल व्यापार जो है वो चौपट हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन कंपनियां, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां व्यापारियों को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले जब केंद्र में भी सरकार नहीं थी तो FDI के मुद्दे पर लगातार आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी ने 51% से लेकर के 60% तक का विभिन्न क्षेत्रों में FDI को लाया है। इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यापारियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। किसी एक बाजार में जब कोई बड़ा स्टोर खुल जाता है तो पूरी पूरी बाजार वहाँ की समाप्त हो जाती है। ये एक चिंतन का विषय है, क्योंकि भारत के व्यापारी के पास इतना पैसा नहीं है कि इन बड़ी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर पाए। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में व्यापारी अभी नहीं है। भारत के व्यापारियों को और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को कैसे मजबूत किया जाए, सरकार इसकी चिंता करे। राजनीतिक दल कोई भी हो, व्यापारी ना किसी का दुश्मन है, ना किसी का विरोधी है, ना किसी का बहुत ज़्यादा लल्लो चप्पो में पड़ने वाला है। व्यापारी समाज अपनी मेहनत से, अपनी पूंजी से, अपना श्रम लगा करके एक छोटा सा मुनाफा लेकर के अपना जीव को पाचन करता है। और जब भी कोई विपदा पड़ती है समाज पर, तो आपने देखा को कोविड में भी राशन बांटने का काम, भोजन बांटने का काम, दवाएं पहुंचाने का काम व्यापारियों ने किया, अपनी पूंजी से किया, और सरकार के काम को अपना काम समझकर, मानव का काम समझकर व्यापारी ने किया। लेकिन जब उस व्यापारी की बात नहीं सुनी जाती है तो व्यापारियों को आत्मिक कष्ट होता है। सरकार को, सभी सरकार को चाहिए कि व्यापारियों के आत्मसम्मान को बनाए रखें, व्यापारियों के सम्मान की चिंता करें, अधिकारियों को निर्देशित करें कि व्यापारियों के काम को प्राथमिकता और प्रमुखता से करें, ना को निर्देशित करें। साथ ही साथ एक ऐसी उसकी व्यवस्था भी बनाएं कि उनका काम हो रहा है नहीं हो रहा, इसको भी देखें। चलिए हम अभिषेक जी के पास चलेंगे।
अभिषेक जी, ये संजय जी जो जो बातें कह रहे थे उनको मनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने व्यापार सम्मेलन शुरू कर दिए हैं, तो क्या आप लोग भी कुछ कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर नाराजगी देखने में यही लग रहा है कि आप लोग से व्यापारी नाराज है, मनाना आप लोग को पड़ेगा अगर सत्ता में आना है या व्यापारियों का वोट चाहिए तो। क्या तैयारियां हैं, क्या रोड मैप है? हम व्यापारियों के बीच में हमेशा से रहे हैं, आज उनको जाना पड़ रहा है, उनको आज व्यापारी की याद जो है 6 माह जब चुनाव 6 माह बचा है तब आई है। और हम लोग जो है निरंतर व्यापारियों के बीच में रहे हैं, व्यापारियों के बीच में काम करते हुए आए हैं, उनके दुख सुख के साथी हैं और हर जगह हम ही उनके साथ थे। तब कोई ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बसपा कोई नहीं दिख रहा था। तो ये सब जो है बरसात जब होती है तो आज व्यापारी सम्मेलन को शुरू कर रहे हैं। हम लोग कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग निरंतर व्यापारियों के साथ थे हैं और आगे कर दिया वही बहुत है। उससे व्यापारी मस्त हो गया, उसका सब कुछ लुट गया, उससे क्या करेंगे आप? नहीं नहीं, वो आप आरोप लगा सकते हैं, आप हम लगाएंगे नहीं, वो सत्य है, आरोप नहीं है, सत्य है। क्योंकि आप मार्केट निकलिए, व्यापारी आपको हर कोने, हर गली, हर नुक्कड़ में मिल जाएगा, उसकी सत्यता तो कोई भी जान सकता है। व्यापारी तो ऐसा वर्ग है जो छुपाई नहीं होता है, वो तो हर कोने, हर नुक्कड़ में मिल जाता है। किसी चाय की दुकान पे रो रहा होता है, कोई होटल में रो रहा होता है, व्यापारी तो रोता नजर आता है। व्यापार प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में हर जगह समाज सेवा करते हुए लोगों को भोजन बांटते, दवाइयां बांटते दिख रहे थे। हमें लगता है सबसे ज्यादा से व्यापारी बांट रहे थे, लेकिन सर आप अपने व्यापारियों को भूल गए। लेकिन व्यापारी बांट रहे थे, लेकिन आप अपने व्यापारियों को पार्टी के नेता नहीं, सिर्फ व्यापारी बांट रहे थे। वो व्यापारी जो लुट रहा था, मिट रहा था, फिर भी वो जनता की सेवा में था, वो मानव बन के लोगों के बीच कार्य कर रहा था। सिर्फ व्यापारी था वो किसी पार्टी का आदमी नहीं था। जो व्यापारी था वो सिर्फ व्यापारी था, ना वो भाजपाई था, ना वो सपाई था, ना कांग्रेस था। उसका सम्मान करिए कि वो व्यापारी था, भाजपाई का नाम मत दीजिए। वो एक इंसान था, एक मानव था, मानव के रूप में उसने पूरे प्रदेश की सेवा की। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर बना, वो सिर्फ एक व्यापारी था, न समाजवादी था, ना भाजपाई। मानवता की सेवा का समय था, सेवा उस समय सेवा कार्यों को ना देखते हुए केवल राजनीति करी जा रही थी आप लोगों के द्वारा। हम लोग तो जो सेवा कर रहे थे जनता देख रही थी। चलिए चलिए, समय कम है, आखिरी बार न्यूज रूम चलेंगे और वहां पर व्यापारियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब उनका क्या मुद्दा है और किस मुद्दे पर वो आने वाले चुनाव में वोट करने वाले हैं। अश्विनी, मैं आपके पास आता हूं और मैं चाहूंगा कि कम समय में, बहुत कम समय में, बाकी के जो साथी वहां पर जुड़े हैं, व्यापारी साथी, उनसे जानने की कोशिश करिए और ये बताइए कि आखिर आने वाला जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ेंगे और किन मुद्दों पर वोट करने वाले, बहुत कम समय में। जी मैम, आने वाला जो चुनाव है वो आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे और किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा हो और व्यवसाय के लिए हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हमारा सबसे पहला कि हमारी मांगों को सुना जाए, उन योजनाओं को लाया जाए जो सीधे सीधे व्यापारियों को लाभ पहुँचा सकता है। जी बिल्कुल, और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों पर अपना वोट देंगे। सर, किन मुद्दों पर इस बार आप अपना वोट देंगे? देखिए, जो राजनीतिक दल व्यापारियों के हित की बात करेगा उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगा, हम लोग केवल उसी राजनीतिक दल को वोट करेंगे और बाकी किसी की बातों में नहीं आएंगे। जैसे व्यापारी नेता श्री संजय जी बात कर रहे थे, जात धर्म से आगे बढ़कर हम लोग केवल व्यापार की बात करेंगे, उसी सरकार को वोट देंगे। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करते हैं। सर, इस बार व्यापारी किन अहम मुद्दों पर जो है वोट देगा? मुख्य रूप से 3-4 मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और व्यापारियों के लिए सुगमता भरा माहौल जिसमें सही से व्यापार कर सकें और टैक्सेशन प्रणाली को बहुत ही अच्छी तरह से जो ठीक करें जिसमें व्यापारियों को टैक्स से जो राहत मिले और जो पेंडेमिक में व्यापारियों ने अपनी चीज़ें गंवाई हैं उस पर राहत कोष की घोषणा। अश्विनी, इशारे में ये पूछ जरूर लीजिए कि उम्मीद किससे है इस बार? सर, इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीद किस पार्टी से है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग बहुत उम्मीद थी और अभी भी उम्मीद है क्योंकि वो केंद्र से लेकर के हर राज्यों में हैं। तो उनसे उम्मीद है कि अगर वो एक बार हम लोगों की मांगे सुन करके अगर उसका कोई निर्वाण करते हैं तो हम लोग उस पार्टी को भी वोट दे सकते हैं, या वो नहीं करते हैं तो हम लोग किसी दूसरी पार्टी। धन्यवाद अश्विनी आपका बहुत बहुत। संजय जी, कम समय में मैं आपसे जानना चाहूँगा, फाइनल कमेंट है हमारा कि अब क्या उम्मीद लगाई जाए सरकार से और अब क्या तैयारियाँ आप लोगों की? हम लोग व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, व्यापारियों की समस्याओं का निदान चाहते हैं, सरकार को समय रहते व्यापारियों की बात को गंभीरता से सुनते हुए उसका हल करना चाहिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश को धीमे धीमे इस दिशा में ले जाएं कि हम लोगों को अब जाति धर्म के खाँचे में ना बांटा जाए,
इस विषय पर गंभीरता से काम हो और इसके लिए लगातार जागरूकता की जाए। अब शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, इस विषय पर ही ज़्यादा डिबेट हो, इसी विषय पर ज़्यादा बातचीत हो और लोगों को भी इस तरीके से जागरूक किया जाए कि वोट देते समय वो लोग भी इसी बात का ध्यान रखें। हाशमी साहब, अगर आप सरकार में आते हैं तो व्यापारी आपसे क्या उम्मीद लगाए, क्या क्या हो सकता है उनके लिए? देखिए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में व्यापारियों के बीच हमारे बड़े नेता, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। उनकी क्या समस्याएं, उनकी समस्याओं को सुनते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक दिन बैठक करने के बाद उनकी जो समस्या है, जो उनके लिए कर सकते हैं, उनके मुद्दों को मैनिफेस्टो में लाया जाएगा और उनकी हर संभावित समस्या का समाधान किया जाएगा। अभिषेक जी, आप हैं, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभिषेक खरे जी डिबेट से उठ चुके हैं, शायद कुछ सवालों की वजह से उन्होंने जवाब नहीं दिया। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपने अपना पक्ष रखने के लिए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में हालात यही हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हुए है, कोरोना काल से लेकर, उसके पहले से लेकर और तब से जब से उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई थी। कहा यह जाता है, जब हम एक सरकार से नाराज हो जाते हैं तभी हम दूसरी सरकार पर उम्मीद लगाकर उसे जिताते हैं। व्यापारियों ने भी ऐसा किया था, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी पूरी नहीं हुई और इसी वजह से यह नाराजगी जो है ये देखने को मिल रही है व्यापारियों की, कि कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले 22 के चुनाव में ये वोट बैंक कितना निर्णायक साबित होता है और कितनी मांगे इनकी उससे पहले पूरी होती हैं। आज की डिबेट में इतना ही। अमित दीजिए, नमस्कार।